एक दुर्लभ पक्षी बिल्कुल रेड आईज के साथ, आपने इसको ग्रामीण क्षेत्र में या जंगल में नॉर्मली बहुत देखा होगा, लेकिन इसके नाम के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। इसको क्षेत्रीय नामों से तो जाना जाता है, लेकिन इसके अंग्रेजी नेम और वैज्ञानिक नेम क्या हैं? वैसे इसको क्षेत्रीय भाषा में हुक्का इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हुक हुक की आवाज़ करता है, और महोक या महोक शब्दों से भी इसको पुकारा जाता है। लेकिन इसका अंग्रेजी नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका अंग्रेजी नाम है ग्रेटर कोकल। ग्रेटर कोकल इसका अंग्रेजी नाम है, या फिर इसको दूसरे अंग्रेजी नाम से जानते हैं क्रोपीजेंट, तथा इसका वैज्ञानिक नाम सेंट्रोपस सिंसिस, सेंट्रोपस सिंसिस है। अब ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, ये मैं आपको बताता हूँ। यह है पक्षी एशिया के भारत, चीन, इंडोनेशिया में बहुतायत से मिलता है। वैसे ये पूरे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलों में मिल जाता है। इसका आहार, इसकी खुराक क्या है, ये एक जानने की बात है। यह पक्षी पंख होते हुए भी अपना ज़्यादातर समय जंगलों में ज़मीन पर डोलते हुए निकलता है। आप इसको देखोगे, यह कौवा के जैसा, यह कौवा जो होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। अब इसके जो खुराक है उसके बारे में बताता हूँ, ये क्या चीज़ खाता है। तो यह पक्षी टिड्डे, भुजंगे, लार्वे, चूहे, जंगली चूहे इसकी पसंदीदा खुराक, और बिच्छू, गिरगिट, सांप, ये जो जहरीले जानवर हैं इनको तो ये बिल्कुल ढूंढता रहता है, इसीलिए ये जंगलों में ज़्यादातर रहता है। ज़मीनी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो रेंग कर चलते हैं, वो इसकी सबसे पसंदीदा खुराक है, और इसीलिए यह पक्षी ज़्यादातर समय अपना ज़मीन के ऊपर पैदल चलते हुए गुजारता है। इसके वजन के बराबर सांप को भी ये खा लेता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक।